गया नेहा भारती आपके साथ। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों सीतामढ़ी में दारोगा की हत्या कर दी गई, उसके बाद आपको बता दें किशनगंज के इंस्पेक्टर दारोगा की पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी गई। अब जो खबर है वो कटिहार जिले से सामने आई है, जहां लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन को बंधक बनाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। जी हाँ, ये खबर बड़ी खबर है, कटिहार से सामने आई है। शुक्रवार को शराब माफिया को पकड़ने के लिए गई कटिहार के बरसोई थाने की पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि रघुनाथपुर इलाके में माफिया ने महिलाओं की आड़ लेकर कैसे पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। दारोगा को भीड़ ने बाकी टीम से अलग करके घेर लिया और ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को जमकर पीटा। इस टीम में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी और उनके साथ भी मारपीट की गई। इस दौरान पुलिस के कब्जे में आए शराबियों को भी छुड़ा लिया गया। पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज करते हुए 17 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। अब पुलिस प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस प्रशासन पर भी लोगों का जो कहर है वो बरप रहा है। शराब माफिया बेलगाम हो चुके हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।